हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोग रिफ्रैक्शन का क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए हम लोग, है ना, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपेरेंट डेप्थ हम लोग निकालते हैं। अपेरेंट डेप्थ, है ना, अपेरेंट डेप्थ हम लोग डेप्थ निकालते हैं। चलिए इसमें हम लोग पहला लेते हैं इंसिडेंट रे आर इन रेरर मीडियम। यदि आपका इंसिडेंट रे कौन सा मीडियम में हो, इन रेरर मीडियम में हो, रेरर ऑप्टिकली रेरर मीडियम हम लोग ऐसे मीडियम को बोलेंगे जिसमें लाइट की वेलोसिटी क्या हो, कम हो, है ना, रिलेटिवली कम हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेरर, है ना। तो मान लेते हैं कि ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम आपका सेकेंड है, ठीक है, ये आपका मीडियम फर्स्ट है और ये आपका मीडियम सेकेंड है, ठीक है, ये आपका मीडियम फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड मीडियम है। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेरर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये जो है आपका बाउंड्री ऑफ टू मीडियम है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसको आप डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, है ना। तो इंसिडेंट रे कहाँ से जाएगा, रेरर से कहाँ जाएगा, डेंसर में, आप ऊपर से देख रहे हैं तो एक रे तो ऐसे चला जाएगा, यदि नॉर्मली जाता है तो अनडेविएटेड आपका क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब एक रे को हम ऐसे ले रहे हैं, ऐसे गया, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ध्यान में रखेंगे, आपका ये है एंगल ऑफ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ध्यान देंगे। और चूंकि आपका ये रेरर से डेंसर में यदि जाता है तो क्या होता है बच्चा, आपका याद रखेंगे, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, है ना, रेरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये चला जाएगा आपका ऐसे, ये ऐसे चला गया, तो दो रे हो गया। रिफ्रैक्टेड रे यदि नॉर्मली गया तो नॉर्मली चला जाएगा, और यहाँ पे अब जब देखेंगे आप तो रिफ्रैक्टेड रे एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का इंसिडेंस, है ना, रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या बताएगा, इमेज का पोजीशन। तो लगेगा कि रिफ्रैक्टेड रे तो आपका ये वाला है, ये वाला रिफ्रैक्टेड ऐसे है, तो रिफ्रैक्टेड रे को यदि आप ऐसे बढ़ाते हैं तो आपको लगेगा रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन यहाँ हुआ, तो आपको देखने वाले को, यदि आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका मान लेते हैं आँख है, यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, उसका क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा, क्योंकि आप जो है यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो ये रिफ्रैक्ट हो गया है यहाँ पे, तो आप रिफ्रैक्टेड रे को देखेंगे और रिफ्रैक्टेड रे लगेगा कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ना दिख करके यहाँ आपको दिखेगा। तो ये तो क्या था, एक्चुअल डेप्थ हम लोग क्या मान लेते हैं, एच, और ये आपको जब देखेंगे तो आपको लगेगा इतना डेप्थ क्या है, नीचे है, मतलब जब आप देखेंगे एक्चुअली में इतना डेप्थ पे रहेगा एच डेप्थ पे, लेकिन आपको दिखेगा कितना डेप्थ है, एच डैश, है ना। तो एच डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैसे निकालने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो आप यहाँ पे नॉर्मल आप डाले हैं, ध्यान देंगे ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
अच्छा, एक मिनट रुक जाएंगे। अच्छा तो बच्चा आपको लग रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो आप जब देखेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, उसका क्या दिखेगा, इमेज। तो लगेगा ऑब्जेक्ट जो है एच हाइट एच डेप्थ पे नहीं हो करके एच डैश डेप्थ पे है ना। तो चलिए हम लोग बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ से यदि यहाँ पर आप लगाते हो तो क्या होगा, यहाँ पर है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू वन मानते हैं, ये क्या है म्यू टू है। तो क्या बोलेंगे, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, ठीक है। और चूंकि एज आई एंड आर वेरी स्मॉल सो साइन आई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, टेन आई के, एंड साइन आर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, टेन आर के। चलिए बच्चा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, है ना। तो ये दोनों नॉर्मल है, पैरेलल है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आपका रिफ्रैक्शन है, तो ये वाला भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये अल्टरनेट, तो ये वाला भी आपका आर ही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की लेंथ को मान लेते हैं डी, है ना। तो चलो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं, म्यू वन साइन आई की जगह पे क्या लिखेंगे, टेन आई बराबर म्यू टू टेन आर, ठीक है। और देखेंगे म्यू वन टेन आई को क्या लिखेंगे, टेन आई आपका ये वाला एंगल है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा, एच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी अपॉन एच, ये म्यू टू है, यहाँ पे टेन आर, आर ये है, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डी है, हाइट क्या हो जाएगा, एच डैश, तो डी अपॉन एच डैश हो गया, तो ये डी से आपका डी कट गया, है ना। एच डैश का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एच डैश का जो वैल्यू आ जाएगा, एच चला जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा बच्चा, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू एच, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू, है ना, एच हो जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चा उसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, है ना, यहाँ पे मिटाते हैं, तो यहाँ पे एच डैश का जो वैल्यू हो गया एच अपॉन, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, म्यू वन आपका नीचे, है ना, म्यू वन अपॉन म्यू टू हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, देयरफोर एच डैश का जो वैल्यू हो गया एच अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपेरेंट डेप्थ, है ना, अपेरेंट डेप्थ। और एक्चुअल डेप्थ क्या है बच्चा, एच क्या है आपका, एच जो है यहां पे, एच क्या है, एक्चुअल डेप्थ, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, म्यू वन टू क्या है, याद रखेंगे, है ना, कि क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इंसिडेंट रे आर प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, है ना। तो अपेरेंट डेप्थ बराबर एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, है ना, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है ना विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। तो इंसिडेंट रे किस मीडियम में होगा,
जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ना, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा है ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदर है ना विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, तो याद रखना है इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चा, तो कुछ नहीं याद रखना है कि अपेरेंट डेप्थ बराबर एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जिस मीडियम में आपका इंसिडेंट रे है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, तो इसको याद रखेंगे बच्चा, चलिए है ना पॉज करके लिख लेंगे बच्चा फटाफट, उसको मिटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसी का हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं। जब आपने क्या देखा कि जब आपका है ना इंसिडेंट किस मीडियम में था, रेरर मीडियम में था, और देखने वाला कहाँ था, डेंसर मीडियम में, जब आप डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको फील होगा कि डेप्थ ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ गया है, डेप्थ क्या है आपका ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं है ना कि इफ इंसिडेंट रे आर प्रेजेंट है ना, इफ इंसिडेंट रे आर इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, यदि आपका इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है, तो फिर क्या होगा है ना, एपरेंट डेप्थ को निकालना है। तो कुछ नहीं, इस बार वही कहानी हम लोग लेते हैं, और ये मीडियम फर्स्ट लेते हैं, ये आपका मीडियम सेकेंड है ना, ये आपका डेंसर मीडियम, डेंसर है, और ये आपका रेरर है, रेरर मीडियम। तो याद रखेंगे जब डेंसर से रेरर में लाइट जाएगा है ना, तो क्या होता है ना, नॉर्मल से दूर भागता है, और रेरर से जब डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर से वही काम करेंगे। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ये इस बार ऑब्जेक्ट है, और देखने वाला रेरर मीडियम से देख रहा है, तो एक तो लाइट हम लोग लेते हैं है ना, हम लोग देख चुके हैं एक लाइट, तो यदि नॉर्मली ले हम लोग नॉर्मली लेते हैं इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्टेड रे भी कैसे चला जाएगा, नॉर्मली चला जाएगा, चलो ये रिफ्रैक्टेड रे गया, और एक और लेते हैं कम से कम, ठीक है, तो एक और हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक और रेड हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, एक और चूँकि ऑब्जेक्ट है ढेर सारा रे निकलेगा, तो चलो दो रे से हम लोग काम चला लेते हैं है ना, ये गया। अब आपका यहाँ पे आप नॉर्मल खींचा, यहाँ पे आपने नॉर्मल खींचा, याद रखेंगे जब आपका डेंसर से रेरर में जाएगा तो क्या होगा बच्चा, ध्यान में रखेंगे बच्चा, क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो ये किधर भाग जाएगा, कुछ ऐसे भागेगा नॉर्मल से दूर, जाना किधर चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, नॉर्मल से दूर भाग गया, चलिए ऐसे आया और ऐसे चला गया। अब देखने वाला यदि आपका आँख फाड़ फाड़ के इधर देख रहा है बच्चा है ना, तो देखने वाला को क्या लगेगा, रिफ्रैक्टेड जो रे है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, एक रिफ्रैक्टेड ये और एक रिफ्रैक्टेड ये दोनों यहाँ से आ रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ, हमेशा याद रखेंगे इमेज क्या होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे है ना, तो ध्यान में रखेंगे, तो आपको दिखेगा इमेज आपका ये, तो यदि एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे एच है तो एपरेंट डेप्थ यहाँ पे क्या नज़र आएगा, कम नज़र आएगा है ना, और कभी याद रखेंगे बच्चा, यदि आप कोई शीशा का ग्लास लेते हैं उसमें आपका कोई क्वाइन रख देते हैं, जब ऊपर से आप देखते हैं तो लगता है कि क्वाइन जो है क्वाइन का डेप्थ कम हो गया है, क्वाइन लगेगा थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया हुआ है ना, तो यहीं पे होता है, चूँकि आपका पानी क्या है ना, वाटर क्या है एयर के रिस्पेक्ट में, डेंसर मीडियम, तो इंसिडेंट रे कहाँ से आता है, डेंसर से रेरर में, तो हाइट क्या होता है आपका, अपेरेंट डेप्थ कम हो जाता है ना, तो आपको लगेगा क्वाइन ऊपर शिफ्ट कर गया है, ठीक है, यही कहानी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे हम लोग तो ये इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो एंगल ऑफ ये इंसिडेंस है,
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये पूरा एंगल यहाँ से एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर होगा, चूंकि ये दोनों नॉर्मल है तो ये अल्टरनेट एंगल इंसिडेंस, ये भी इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए ये आपका क्या है, डी है ना, ये आपका डी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है आपका, डी है। चलिए अब हम लोग बढ़ें, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कहानी। अब हम लोग फिर वही करेंगे, हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बोलेंगे म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू वन लिए हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू लिए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे, चूँकि एंगल यदि बहुत छोटा हो जाए, है ना, फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल, है ना, एंगल ऑफ आई एंड आर के लिए, है ना, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में, जो अभी किए हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू वन टेन आई बराबर म्यू टू टेन क्या चीज आपका आर, है ना, तो यहाँ से म्यू वन टेन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन आई बोलेंगे पर, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डी हो गया, बेस आपका एच हो गया, है ना, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया डी और बेस हो गया स्मॉल, है ना, स्मॉल एच, यहाँ पे म्यू टू, है ना, टेन आर, टेन आर परपेंडिकुलर डी हो गया, बेस आपका कितना हो गया एच डैस, तो डी अपॉन एच डैस, तो डी से आपने डी को काट लिया, है ना, यहाँ से एच डैस की जो वैल्यू आ गया, है ना, एच डैस की जो वैल्यू आ गया, ये एच यहाँ चला जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू एच, है ना, फिर उसी के जैसा रिजल्ट आ गया। चलिए यहाँ मिटाते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ एच डैस बराबर, इसको हम लोग फिर अगेन लिख देंगे, एच अपॉन म्यू वन अपॉन म्यू टू, है ना, तो यहाँ पे देयरफोर एच डैस का जो वैल्यू हो गया एच अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम, इन विच इंसिडेंस रेज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, तो यही कहानी आपका हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट, है ना, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट, है ना, एपरेंट डेप्थ बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट, है ना, एच है एक्चुअल हाइट, तो दोनों से तो फॉर्मूला क्या आया, सेम आया, तो हमेशा याद रखेंगे कि आपका ऑलवेज, चाहे कोई भी केस हो, है ना, चाहे डेंसर से रेरर में इंसिडेंट, है ना, रे आपका डेंसर से रेरर में जाए या रेरर से डेंसर में जाए, हर केस में, है ना, एपरेंट डेप्थ बराबर क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना, यहाँ पे कौन सा मीडियम, है ना, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे हो विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, यही याद रखना है। म्यू का वैल्यू सिर्फ याद रखना है कि कौन सा हम डिवाइड करना है, म्यू वन टू, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, ऑफ द मीडियम, मीडियम इन विच इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आर प्रेजेंट With respect to other medium, other medium, याद रखना है बच्चा, refractive index of the medium in which incident ray are present with respect to other medium, है ना, तो ये हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें बच्चा, तो फाइनली जो हमने फॉर्मूला दोनों ही कंडीशन में वही चीज देखा कि दोनों में एक ही फॉर्मूला आया, कुछ नहीं आया, क्या आया बच्चा, कि एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट, है ना, एच डैस बराबर एच अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, है ना, एक ही फॉर्मूला आया, कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन पहले बना ले, क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, यहाँ पे एच क्या है, एक्चुअल डेप्थ, ये क्या है, एपरेंट डेप्थ, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच इंसिडेंस रे आर प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। चलिए ठीक है बच्चों, फटाफट इसको लिख लेंगे, है ना, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, देखेंगे बच्चा, मान लेते हैं ये आपका वाटर है, यहाँ से नीचे पानी है, यहाँ से ऊपर एयर है,
पानी में क्या रहेगा मछला बच्चा आपका, मछली होगा, फिश है, और एयर में आपका बर्ड है, ये मछली को देख रहा है ना, सोच रहा है कि कब ऊपर आए और इसको खा जाए। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 आप जानते ही हैं, एयर का 1 होता है, दे दिया है। कह रहा है हमको निकालने के लिए फाइंड में डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश, बर्ड का डिस्टेंस फिश से क्या होगा एज व्यूड बाय द फिश, जब मछली बर्ड को देखेगा, जब फिश आपका बर्ड को देखेगा तो बर्ड से फिश की दूरी क्या होगा, डिस्टेंस जब देख रहा है ये, तो इसको ये जब देखेगा तो मीडियम तो चेंज है, तो एक्चुअली इस बर्ड नहीं देखेगा, बर्ड का इमेज दिखेगा, क्या दिखेगा बच्चा, बर्ड का इमेज दिखेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए ए नंबर में, है ना। डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश, है ना, एज व्यूड बाय फिश, तो फिश देख रहा है तो इंसिडेंस रे कहाँ से आएगा, बर्ड, है ना, बर्ड से आएगा। तो फिश जब दिखेगा, फिश जब देख रहा है तो फिश, है ना, उसी मीडियम में है तो फिश को लगेगा कि ये सरफेस से कितना नीचे है, 36 सेंटीमीटर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन बर्ड, बर्ड को जब देखेगा तो बर्ड इस सरफेस से चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, बर्ड का चूंकि इंसिडेंस रे, है ना, कहाँ से आएगा, चूंकि बर्ड से आएगा और फिश के आंख पे आएगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो इंसिडेंट रे किस, है ना, कौन से मीडियम में है, एयर में, तो क्या हो जाएगा, है ना, ये हाइट कितना है 36 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम, है ना, तो याद रखो देखने वाला कौन है, फिश, है ना, तो फिश देख रहा है ना, किसको देख रहा है, बर्ड, तो इंसिडेंस रे कहाँ से आएगा, बर्ड से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों हो जाएगा, जिस मीडियम में, है ना, क्या है आपका, इंसिडेंट रे है, तो क्या हो जाएगा, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो चलिए बच्चा यहाँ पे हो गया 36 सेंटीमीटर प्लस 36, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का 1 होता है और ग्लास का क्या होता है, है ना, आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो 4/3 ये आपका यहाँ आ जाएगा, ध्यान में रखेंगे बच्चा, 36 सेंटीमीटर प्लस 36 अपॉन ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4, अब 4 को ऊपर भेज लीजिए, चलिए 3 से हम लोग काट लेते हैं, है ना, 12 36 48, है ना, तो इसको कितना नजर आया बच्चा, 36 सेंटीमीटर प्लस, है ना, 48 सेंटीमीटर आपका टोटल कितना हो गया, है ना, 14 और 4 3 7 8 84 सेंटीमीटर, मतलब फिश को लगेगा कि बर्ड कितना दूरी पे है, 84 सेंटीमीटर, समझ में आया, है ना, तो है ना फिश खुश हो जाएगा, चलो बहुत ज़्यादा दूर है, एक्चुअल में कितना दूरी पे है, 36 और 36, 72 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन है, फिश को एक्चुअली में, है ना, फिश से कितना दूरी पे है बर्ड, एक्चुअल में 72 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेकिन फिश को क्या लगेगा कितना दूरी पे है, 84 सेंटीमीटर, मतलब फिश क्या किस में आ जाएगा, धोखा में आ जाएगा कि बर्ड अभी काफ़ी दूर है ना, 72 से ज़्यादा, मतलब है ना फिश खुश हो जाएगा, चलो बर्ड बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डेंजर जोन से क्या है हम लोग बाहर हैं, चलिए, तो फिश भी खुश हुआ, है ना, देख करके फिश खुश हुआ। अब हम लोग इसी को देखते हैं, दूसरा नंबर बनाते हैं, देखते हैं कि, है ना, पक्षी जो है ये खुश हो पाता है कि नहीं, तो चलिए इसी का बी नंबर हम लोग देखें, है ना, इसी का बी नंबर हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड एज व्यूड बाय द बर्ड, जब पक्षी देखेगा फिश को तो, है ना, इंसिडेंस रे कहाँ आएगा, देखने वाला तो बर्ड है, तो इंसिडेंस रे कहाँ से जाएगा,
फिश से जाएगा। तो जब बर्ड देखेगा तो उसका अपना हाइट तो सरफेस से कितना लगेगा, 36 सेंटीमीटर ही एक्चुअली फील करेगा, तो ये 36 सेंटीमीटर तो हो गया। लेकिन फिश को जब है ना, फिश कितना डेप्थ नीचे है ना इस सरफेस से, तो क्या हो जाएगा 36 अपॉन है ना इंसिडेंस रे कहाँ से जाएगा, वाटर से जाएगा, चूंकि फिश को देख रहा है, फिश से इंसिडेंस रे जाएगा। याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट से इंसिडेंस रे जाता है, तो देख कौन रहा है, बर्ड तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, फिश है ना, तो इंसिडेंस रे कहाँ से जाएगा, फिश से जाएगा, तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए बच्चा ध्यान से देखेंगे, 36 प्लस 36 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है 4/3 और एयर का आपका 1 हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा 36 प्लस 36 है ना, ये 3 ऊपर में चला जाएगा, ये 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 है ना, कितना से कट गया 9 से, 9 3 27 यानी कि 36 प्लस है ना 27 है ना, कितना हो गया बच्चा है ना 63 सेंटीमीटर। तो बर्ड को क्या लगेगा कि फिश कितना दूरी पे है, 63 सेंटीमीटर पे लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना है 36 प्लस 36 कितना 72, ज़्यादा दूरी पे है, लेकिन बर्ड को क्या लगेगा, अरे फिश तो बगल में है ना, खा लेंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े में है ना, तो बर्ड भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ले है ना, कहने का मतलब यहाँ पे है ना फिश भी खुश बर्ड भी खुश। फिश को क्या लगेगा, बर्ड ज़्यादा दूरी पे है, लेकिन एक्चुअल कितना दूरी पे है 36, लेकिन कितना फिश को नज़र आया था, कितना दूरी पे है 84 है ना। जब बर्ड देखेगा फिश को है ना, तो कितना दूरी पे है एक्चुअल में 72, लेकिन जब देखेगा उसको क्या फील होगा कि कितना दूरी पे है फिश 63, मतलब बर्ड को लगेगा कि आपका फिश नज़दीक में है ना, मतलब मज़े में है, आज तो है ना चलेगा मछली फ्राई है ना। तो चलिए बच्चों है ना जल्दी से फटाफट इसको नोट करके लिख लेंगे।